दिनों से राज्य सरकार को लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार पुतले फूंक रही है और रैलियां उग्र प्रदर्शन करते हुए बीजेपी और सरकार को घेर रही है। भूपेश सरकार की माने तो केंद्र सरकार की कृषि बिल को किसानों के खिलाफ बताया था, जिसको लेकर आज पूरे राज्य में भाजपा द्वारा हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पाली ब्लॉक में भी भाजपाइयों का राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। साथ ही राज्य सरकार के चुनावी वादों को याद दिलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 20 क्विंटल धान खरीदी, धान का समर्थन मूल्य बिजली हाफ जैसी चुनिंदा वादों को याद दिलाया गया है, जो सरकार के खिलाफ और चुनावी घोषणा को लेकर भूपेश सरकार को याद दिलाई। जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर कार्यवाही की जाए और उनको कड़ी सजा दी जाए, ये मांग करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ पे हैं सरगुजा में, उनके रवैये से आपका कितना संतुष्ट है? हम उनके रवैये से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और ये सरकार की ढुलमुल नीति है। ये तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी चरमरा सी गई है और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनके सह पर अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके खिलाफ में हैं और उसी तारतम्य में आज हम छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी मंडल, तीन मंडल मिलकर विकासखंड स्तर पर यह आंदोलन जारी रखे हुए हैं और यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बलरामपुर में जो घटना घटित हुई उसकी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है और इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम भी कोरबा में गत दिनों हुआ था और मैं इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और आप हथरस की बात चिल्ला रहे हैं जबकि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है और यहां तो घटना घटित हुई है, वहां पर आप आंख मूंदे हुए हैं और आपका एक जिम्मेदार मंत्री एक छोटी सी बात बोल करके उसको टाल जाता है, ये कहाँ की नीति है? खरीदे जाएँ, 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू किए जाएँ, 2 वर्ष के बकाया बोनस का शीघ्र भुगतान किए जावे, उसके पश्चात धान का रकबा कम करने की कवायद बंद हो, भंडारण परिवहन के नाम पर किसानों की प्रताड़ना ना हो, पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए, ये 7 बिंदु में हमारे पाली विकास खंड भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में ये महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसी के तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। आप सबने और मीडिया के समस्त कर्मियों ने, साथियों ने बहुत बहुत यहाँ पर आकर के अपना महती उपस्थिति दर्ज कराई, उसके प्रति हम आभारी हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि जब भी किसानों के हित में अन्यायपूर्वक डिसीजन होगा, निर्णय होगा, कोई फैसले होंगे, पूरा क्षेत्र के किसान, देश के किसान और प्रदेश के किसान उसका विरोध करेगा और किसान अपने फसल का सही दाम लेके रहेगा, उसको सही बोनस मिलना चाहिए, सही वक्त पर उसको धान को खरीदा जाए, ये तमाम 7 बिंदु है और इसके लिए किसान अपने हितों के प्रति कृत संकल्पित है। जितने भी विधान राज्यसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं उसे किसानों का हित संवर्धन होगा, हित रक्षण होगा, हित संरक्षण होगा और किसान लाभान्वित होंगे, आर्थिक रूप से किसान समृद्ध होगा और जब किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, देश मजबूत होगा आर्थिक रूप से और पूरे भारत का नाम एक गरिमामय ढंग से पूरे संसार में भारत का नाम ख्याति होगा, भारत की ख्याति होगी और किसानों के हित में केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो किसानों के हित में जो डिसीजन हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार अपना टाइम पास करते हुए केंद्र सरकार के किसान हितैषी नीति का विरोध कर रहा है, जिसका ये पाली विकास खंड के भारतीय जनता पार्टी के जो तत्वावधान में, पाली विकास खंड के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस किसान विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए हमारे पूरे पाली विकास खंड के समस्त किसान एकजुट हैं, लामबंद हैं और आने वाले समय में जब भी किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय लेगी, दिग्भ्रमित करेगा किसान के हित में, किसान इस अन्याय को सहन नहीं करेगा और पूरी मुस्तैदी के साथ, एकजुटता के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की नीति का विरोध करेगा और किसान अपने अधिकार के प्रति सचेत रहेगा और